सिद्धार्थनगर जिला के काला नमक चावल को योगी सरकार ने जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयन किया, तब से जिले के किसान भारी पैमाने पर काला नमक धान की खेती करने लगे हैं। पिछले साल किसान इसकी खेती 12,000 हेक्टेयर की है, तो इस साल 15,000 हेक्टेयर में काला नमक धान की खेती कर रहे हैं। वहीं अगर सरकार इस धान को MSP पर खरीदारी शुरू कर दे, किसानों की चादी हो जाएगी, जिसकी मांग यहां के किसान पहले से ही कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए कृषि विभाग भी शासन में लिखा पढ़ी कर रही है। प्रदेश सरकार की वजह से अब यह चावल देश विदेश में विख्यात हो चुका है। इस चावल की अपनी विशेष खुशबू है, जिसकी वजह से चावल की विभिन्न प्रजातियों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी विशेष गुण की वजह से यूपी की योगी सरकार ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सूची में चयनित किया। पहले किसान इसे अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए नहीं बोते थे, लेकिन योगी सरकार के विशेष प्रयास के चलते इस वर्ष किसानों ने इसे भारी पैमाने पर खेती कर रहे हैं, जिससे इस वर्ष काला नमक चावल अधिक मात्रा में उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। जिले के बड़पुर सोरतगढ़ तहसील क्षेत्र के अधिकतर खेतों में काला नमक चावल लहला रहा है, जिससे इस वर्ष काला नमक चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि होने की उम्मीद जगी है। पहले इस चावल के उत्पादन में किसान कम रुचि लेते थे, उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि इस चावल के उत्पादन में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, साथ ही यह चावल अधिक समय में काटा जाता है, जिससे अगली फसल पिछड़ जाती है। काला नमक चावल के ODOP में चयनित होने के बाद जिला प्रशासन इसे लेकर पहले से गंभीर तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रशासन अगर किसानों को आ रही दिक्कतों को दूर कर दे, तो अगले वर्ष और अधिक खेतों में ये फसल देखने को मिलेगी। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार उनके काला नमक को MSP पर खरीद शुरू करे। अभी तक सिर्फ बाहर के व्यापारी आकर उनके धान को खरीद रहे हैं। जनपद में काला नमक की प्राचीन काल से खेती होती थी, परंतु जैसे जनपद में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काला नमक को चयनित किया गया, तब से कृषि विभाग तथा प्रशासन की मदद से इसका क्षेत्रफल और क्वालिटी और बीज की प्रजातियों का लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में 12,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी, 2022 में जो है 15,000 हेक्टेयर खेती जो है वर्तमान में की जा रही है, और कुछ नई नई वैरायटियां भी आ गई हैं। पूसा 1629 है, जो जिसका छोटी वैरायटी होती है, उसका प्रोडक्शन भी जो है 35 क्विंटल के करीब है। एक बात आती है सर, जैसे इसकी खरीदारी अगर आप कोई स्तर पर प्रयास किया जाए तो किसान इसको बड़े पैमाने पर खरीदा, क्योंकि इसके खरीदने और बेचने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्या इसके लिए कुछ पहल किया जा रहा है? जी, ODOP में चयनित होने के नाते माननीय जिलाधिकारी द्वारा और मंडल स्तर पर जो है मंडलायुक्त द्वारा जो है इसकी बैठकें ली जाती हैं, तो इसके खरीदारी के लिए भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि जब किसान को पैदा करे तो उसको एक फोरम पर ले जा करके इसका जो मूल्य है वो मिल सके। और वैसे तो बताना चाहूँगा कि इसका जो है लोग जो पैदा कर रहे हैं उनके डोर टू डोर लोग क्रय कर ले रहे हैं, क्योंकि ODOP में आने के बाद तमाम लोग इस पर जोर दिए, तो इसको खाने के बाद चूँकि शुगर लेस है और इसमें जिंक है और अन्य जो है खनिज लवण है, तो उसके नाते यह तमाम लोग इसको दरवाजे से खरीद ले रहे हैं। वर्तमान में इसका 7,000 रुपये पर कुंटल धान का रेट दरवाजे पर ही लोग दे रहे हैं। एक बार आपके स्तर पे क्या कुछ लिखा पढ़ी की जाएगी शासन में इसको लेकर? मेरे स्तर पे माननीय जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो है हम लोग इसके लिए जो है MSP घोषित करने के लिए लिखे हैं, और आगे प्रयास करेंगे कि इसका भी एक रेट तय हो जाए जो है, जिससे किसान जैसे सामान धान की बिक्री करता है उसी तरह इसकी भी हो जाए। लिखा पढ़ी आपके स्तर जी।